जी आज केंद्रीय सरना समिति के तत्वावधान में सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मांग आदिवासियों के वर्षों पुरानी मांग है, जो आदिवासी की परंपरा, संस्कृति, उनकी पहचान, हक अधिकार की मांग है। मानसून सत्र में सरना कोड का जो बिल है सरकार द्वारा पारित करने की घोषणा की गई थी, परंतु किसी भी विधायक और सांसद ने या मंत्री ने इसका आवाज़ तक नहीं उठाया, जिसमें आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश है और आदिवासी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ के लेंगे। आज केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न संगठन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लोग और विभिन्न संगठन के लोग यहाँ उपस्थित है। आज आपके माध्यम से घोषणा करना चाहते हैं कि 15 अक्टूबर को सरना कोड लागू नहीं होने पर संपूर्ण झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। आज इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई है। हमेशा से सरकार, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी का सरकार हो, आदिवासियों को छलने का भी काम किया था। मैं आपको बता दूं कि विधान मानसून सत्र में उन्होंने वादा किया था कि कल ही मैं सरना कोड बिल पारित करूंगा, लेकिन आज तक जो आदिवासी को ठगने का काम किया है मानसून सत्र में पास करने, तो क्या वहां आवाज़ तक उठाई नहीं गई, जिसके कारण आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश है। इसी को लेकर आदिवासी समाज ने ठाना है कि पूरा संपूर्ण झारखंड में 15 अक्टूबर को चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, बात स्पष्ट है कि आदिवासी आज नहीं, सदियों से जब भी अपनी मांग को लेकर के आंदोलन छेड़ते हैं, उनकी मांग पूरा नहीं होती है और एक लंबा समय तक सरकार उस आंदोलन को खिंचवाती है और खींचती है। उदाहरण स्वरूप, जब देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन छेड़ा गया, मान लीजिए 1857 में, तो जब 1947 में ये आज़ाद हुआ देश, उसी तरह झारखंड अलग राज्य के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 से विदेश जाकर के आंदोलन छेड़ा और जाकर के 2000 में यहाँ झारखंड मिला। इतना आदिवासियों की वास्तविक मांग को लेकर के सरकार हमेशा टालती रहती है। आज विधानसभा में जो हम लोग, हमारे माननीय मंत्री रामेश्वर राव जी, हेमंत सोरेन जी ने कहा कि इस सत्र में सरना कोड हम यहाँ से पास पारित कर केंद्र को भेजेंगे, लेकिन इसमें पूरी आदिवासी जनता को और मूलवासियों को बहुत उम्मीद था, लेकिन इस पर पानी फिर गया और इसमें हम लोग पूरा आदिवासी समाज पूरा आक्रोशित है और इस पर हम लोग आगे हम आंदोलन करने का निर्णय हम लोग बना रहे हैं। और जैसे अध्यक्ष जी ने घोषणा किया कि 15 अक्टूबर को सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग पूरे झारखंड में चक्का जाम करेंगे। देखिए, अब उसका हम लोग चुनाव में सरकार को जवाब देंगे, उसका जवाब हम लोग देंगे सरकार को। हर चुनाव में हम लोग को ये ठगा जाता है, ये कर देंगे, वो देंगे, बहुत सारी होती है। हमारे नवयुवक लोग हजार लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं। सरकार तो बोलती है कि हम लोग रोज़गार देंगे। अभी देखिए लॉकडाउन में कितने हमारे लाखों मजदूर प्रवासी बनकर लौटे, कितने लोग का कोरोना से हुआ, कितने लोग मर गए भूखे प्यासे, पैदल हजार किलोमीटर चल कर आए, उनकी समस्या भी तक निदान कोई घोषणा नहीं हो रही है। 5 किलो चावल मिलता था ना आप लोग को? 5 किलो चावल क्या होता है? सरकार तो पास बहुत होता है, 5 किलो में आदमी साल भर एक महीना तो खा ही लेगा। देखिए, आदिवासियों में इतना ताकत है ना, एक हफ्ता भी बिना खाए रहता है, रह सकता है। जब हेमंत सोरेन बोले कि नहीं 5 किलो काम चला, जब दो मन ढो करके कंधा में आदमी 24 घंटा करते हैं, एक हफ्ता चल सकता है लोग कंटिन्यू, इतिहास गवाह है। तो ये पाँच किलो चावल क्या मान्य रखता है? तो ऐसा व्यवस्था हो कि हमेशा उसका लाइफ बाय रोजगार मिले, परिवार चला सके या अपना बल बल बच्चों को शिक्षा देकर अपना कुछ पढ़ाई लिखाई करा सके। अपना नाम बता दीजिए। सत्यनारायण लकड़ा, महासचिव आदिवासी विकास परिषद। फिर से एक बार बोलिए नाम खाली बताइए। सत्यनारायण लकड़ा, महासचिव आदिवासी विकास परिषद। अगर उन लोग, उनकी तो अपने धर्म थे ही, पूर्वजों से धर्म उनकी थी, जो कि 5000 साल पूर्व से भी उनकी धर्म थी, लेकिन उनको, उन्होंने किसी कारणवश उनको अगर भटका दिया गया या उन्होंने उनको बाला फुसला कर अपने धर्म में ले जाया गया,
अगर उनको यह एहसास होगी कि हम मूल आदिवासी हैं, हम कहीं भटक गए हैं, तो उन्हें अगर सरना धर्म में अगर वापसी आता है तो उन्हें स्वागत है, उन्हें वापसी करने का हमारे विधि विधान के तौर उन्हें फिर उन्हें वापस किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए।